से विदेश मंत्री लावरोव का भारत दौरा, दो दिन के दौरे पर पहुंचेगी दिल्ली। लावरोव के दौरे पर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने जताई नाराजगी। देशभर के कई हिस्सों में लगातार बढ़ रहा तापमान, मार्च के महीने में ही गर्मी का तांडव जारी। 15 दिन लू के थपेड़े और होंगे तेज। रायपुर में 8वीं के छात्र नक्षत्र ने ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड में बनाया रिकॉर्ड। 4 सेकंड में टाई बांध का तोड़ा रिकॉर्ड, टाई बांधने का समय था 12 सेकंड। खबर भारत की मुहिम लाई असर, लापता बच्चों को ढूंढकर परिजनों को सौंपा। गाड़ावारा की ग्राम पंचायत रामपुरा से लापता हुए थे 3 बच्चे। और छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही के खिलाड़ियों ने प्रदेश का बढ़ाया मान, राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप में जीते 5 गोल्ड। 24 राज्यों की टीमों ने लिया था हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भारत के लिए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन मुद्दे पर भारत के साथ के लिए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह भी 2 दिन भारत दौरे पर हैं। वहीं इसी बीच ब्रिटेन के विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भी भारत दौरे पर आ रही है। लेकिन लावरोव के दिल्ली दौरे को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की आलोचना की है। दोनों देशों का कहना है कि इस दौरे से अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर रूस पर लगाए गए प्रतिबंध कमजोर होंगे। देश भर के कई हिस्सों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मार्च के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी महसूस होने लगी। ऐसा पहली बार हुआ कि मार्च में लगातार तीसरे दिन सभी मैदानी राज्यों के शहरों में पारा 40 डिग्री के पार हुआ। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है, जहां का तापमान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। रायपुर के एक छात्र नक्षत्र ने ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है, जहां छात्र ने 4 सेकंड में टाई बांधकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं छात्र की मां रेनू कुलश्रेष्ठ ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि 12 सेकंड में टाई बांधने का रिकॉर्ड था, लेकिन नक्षत्र ने रिकॉर्ड तोड़कर 4 सेकंड में ही उसे पूरा कर दिया। वहीं नक्षत्र ने इस रिकॉर्ड का श्रेय अपने परिजनों को दिया है। आपको बता दें कि नक्षत्र कुलश्रेष्ठ रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाला 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है। मैंने नॉट टाई बांधने का ब्रावो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 4 सेकंड में बांधता हूँ। जो पहले रिकॉर्ड था वो 12 सेकंड्स का था, मैंने उसे ब्रेक करके न्यू रिकॉर्ड बनाया 4 सेकंड्स का। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। ये आपने कैसे सीखा है? ये मैं यूट्यूब से सीखा था, फिर प्रैक्टिस किया, करते गया फिर आगे कुछ सोचा किस तरह का रिकॉर्ड बनाएंगे आगे? अब गिनीज का। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो पेरेंट्स को तो खुशी होती है, लेकिन हाँ, नक्षत्र शुरू से ही बहुत फास्ट टाई बांधते थे, तो मैंने बोला कि कम से कम इस चीज़ में एक हाथ आजमाया जाए और क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। फिर इससे हमने प्रैक्टिस करवाई और फिर इसने बोला कि मम्मी चलो एक ट्राई करते हैं, फिर हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया और हो गया। अब इसकी नेक्स्ट तैयारी गिनीज के लिए है। अनूपपुर में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आंदोलन हुआ और श्रमिकों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने श्रम संहिताओं को समाप्त करने, सभी मजदूरों को 26,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन देने और महंगाई जैसे कई मुद्दों पर मांग की। आपको बता दें कि मांग पत्र पेश करने के पहले इंदिरा तिराहा आम सभा का आयोजन हुआ, जिसको ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव कामरेड बादल सरोज ने संबोधित किया था। कोरबा जिले के पथर्री पारा वार्ड क्रमांक 18 के नगर सैनिक प्रीतम राठौर पर बालको नगर थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बता दें कि साल 2015 से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। जब पीड़िता ने शादी करने की बात की तो आरोपी ने कहा पीड़िता का दूसरों के साथ भी अवैध संबंध है और गाली गलौज कर शादी करने से मना करने लगा। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही पुलिस को ऑनलाइन धोखाधड़ी के दो मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने झारखंड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से प्रयुक्त मोबाइल भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर 99,972 और 74,447 रुपए का धोखाधड़ी किया था, जिसकी शिकायत गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही थाने में दर्ज की गई थी। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नर्मदापुरम में इन दिनों छात्राओं की पढ़ाई को लेकर बड़ी समस्या सामने आ रही है। बता दें कि कोरोना काल के बाद परीक्षाओं को ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में जाने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं प्राचार्य ने शिक्षकों अभिभावकों को विश्वास दिलाया कि इस साल सेंट्रल स्कूल में परीक्षा पर चर्चा के महत्व पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही छात्रों के लिए तनाव मुक्त परीक्षा पर प्रकाश भी डाला जा रहा है। सर, जो 2 सालों से बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे, तो इनकी लिखने की हैबिट और रेगुलर बैठने की पढ़ने की हैबिट भी इनकी छूट गई है, तो उसके लिए हम बच्चों से लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाई जाए, किस तरह से इनकी सिटिंग प्रैक्टिस बढ़ाई जाए, ताकि 3 घंटे की एग्ज़ाम ही अच्छे से लिख सके। मेरा नाम प्रतीक कुमार गौर है, मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र हूँ। मेरी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। पिछले 2 वर्ष से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी, तो अभी ऑफलाइन में आने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। पहले हमारा MCQ। सर, मेरा नाम वैजयंती भाया है, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हूँ। सर, हम सभी जानते हैं कि 2 साल बाद, मतलब कि हमारी क्लासेस जो पहले चल रही थी वो ऑनलाइन चल रही थी, उसमें हमें ज़्यादा परेशानी मतलब होती थी, जो टीचर्स से कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मतलब प्रॉब्लम भी जाती थी। बट सर, अब 2 साल बाद हमें जो है हम ऑफलाइन आ रहे हैं और सर हमें समझ में भी सब अच्छे से आ रहा है। टीचर्स लोग सारे हमारी इसमें बहुत मदद कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले हैं इसमें सर, हाँ, हमें ये प्रॉब्लम चल रही है कि मेरा नाम शेर सिंह राजपूत है, केंद्रीय विद्यालय SPM में शिक्षक हूँ, रसायन शास्त्र पढ़ाता हूँ। बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में लाने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। 2 साल से बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। उन ऑनलाइन क्लासेस में कई बार बच्चों को दिक्कतें होती थी, बच्चे अपनी डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते थे और कई किसी के पास 16 अप्रैल से होने वाली सभी सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। बता दें, पहले ऑफलाइन परीक्षाओं को लेकर समय सारणी जारी हुई थी, लेकिन अब ऑनलाइन परीक्षा के मुताबिक ही समय सारणी जारी होगी। यूनिवर्सिटी से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा का नया टाइम टेबल जल्द जारी होगा, जिसके मुताबिक परीक्षाएं ली जाएंगी। शासन के आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 16 अप्रैल से जो आयोजित परीक्षाएं थी, उसे उसकी समय सारिणी सबको निरस्त किया गया है। निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही विश्वविद्यालय इस पर निर्णय लेगा और आगामी परीक्षा जिस तरह से भी होनी है और उसकी समय सारिणी जारी की जाएगी। राजगढ़ के जीरापुर स्थित विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व ऊर्जा मंत्री और विधायक प्रियव्रत सिंह ने कहा कि राजनीतिक द्वेषता के कारण अस्पताल भवन की जगह में बदलाव का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भवन पर खर्च हुई करोड़ों की राशि का लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पहले से ही चयनित स्थान पर अस्पताल बनना चाहिए, जिससे अस्पताल प्रबंधन और आम लोगों को भी इसकी सुविधा मिल सके। इसके बाद मंत्री और विधायक ने बाद में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द काम शुरू करने की मांग की। नैनपुर थाना के अंतर्गत ग्राम डूडा नैनपुर के पिंडरई मंडला मार्ग पर रोड पर खड़े डंपर से बाइक सवार जा घुसा, जिसके चलते युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक नागपुर जाने के लिए निकला था, शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अनूपपुर जिले के खांडा पेट्रोल पंप के पास 2 मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अधेड़ रामपुर की ओर जा रहा था, तभी रामपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार टकरा गए और ऐसा नहीं कि दूसरे बाइक सवार को चोट नहीं आई, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। सूत्रों के मुताबिक फरार व्यक्ति केशवाही का रहने वाला है।
नरसिंहपुर जिले के गाढ़ावारा तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत रामपुर का यह मामला है, जहां तीन किशोर बच्चे यानी छोटे बच्चे रंग पंचमी के एक दिन पहले घर से लापता हो जाते हैं, जिसकी खबर को खबर भारत प्रमुखता से दिखाता है। खबर भारत ने प्रशासन से मांग की थी कि लापता बच्चों की तलाशी में जल्द से जल्द सहयोग किया जाए। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि तीनों बच्चे हैदराबाद के महबूब नगर से मिल चुके हैं और इस खबर के बाद परिजनों ने खबर भारत की टीम को धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि खबर भारत ने इन लापता बच्चों को ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई थी। लगातार हमारे संवाददाता विनोद चौकसे ने इस पर फॉलो अप बनाकर रखा, इस खबर को सभी अधिकारियों तक पहुंचाया। लगातार उन अधिकारियों से मांग की गई खबर भारत की तरफ से कि जल्द से जल्द सभी लोग मिलकर इन बच्चों को खोजें। आखिरकार ये तलाश पूरी होती है और हैदराबाद के महबूब नगर से इन तीनों बच्चों को बरामद कर लिया जाता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाढ़ावारा से हमारे संवाददाता विनोद चौकसे। विनोद आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। विनोद सबसे पहले तो बधाइयां बहुत सारी। जी धन्यवाद। एक बार फिर से हमारी खबर भारत की मुहिम रंग लाई, आपने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, स्टूडियो तक पहुंचाया और हमने आखिर बच्चों को वापस घर में लाने की जिम्मेदारी को पूरा किया, जिसमें प्रशासन ने भरपूर मदद की, मीडिया की भूमिका अहम रही। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो खबर भारत की पूरी टीम को बधाइयां देना चाहता हूँ, क्योंकि जिन गरीब परिवारों के ये बच्चे जो गुम हुए थे, तो खबर भारत की टीम ने जो गाढ़ावारा तहसील के अंतर्गत पांचला मैदान खंड में ग्राम पंचायत रामपुरा आती है, तो वहाँ के ये तीनों बच्चे थे, तीनों बच्चे जो थे रंग पंचमी के एक दिन पहले रामपुरा के लापता हुए थे, तो खबर भारत की टीम जब उन परिवारों के पास गई, उनके माँ बाप से चर्चा की, उनके जो पिताजी थे उनकी माँ थी, उनसे जब हमने चर्चा की तो उन्होंने प्रशासन से बताया था कि हमारे बच्चे यहाँ से लापता हो गए, तो खबर भारत की टीम ने जो खबर को चलाया, पुलिस अधीक्षक जो विदुर श्रीवास्तव जी है, पाइकला के जो थाना प्रभारी है, सभी को इस खबर भारत की जो पूरी टीम है ये जो बच्चे विनोद एक सवाल जरूर उठा, ये बच्चे मतलब कहाँ हैदराबाद कैसे पहुंच गए थे? मैं पूरी खबर आपको वही बता रहा हूँ, पहले मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा था कि ये रंग पंचमी के एक दिन पहले का मामला था। सारे जो नगर ग्राम शहर सारे रंग पंचमी के गुलाल में सारे त्योहार मना रहे थे, उसी टाइम पर ये एक दिन पहले ये बच्चे रामपुरा से, पहले ये रामपुरा से 3 किलोमीटर जो 4 किलोमीटर की दूरी पर ये स्टैंड है रामपुरा स्टैंड है, वहां के बस से बैठकर ये गाढ़ावारा गए, गाढ़ावारा से ऑटो से बैठकर ये स्टेशन गए, स्टेशन से ये सीधे बैठे इटारसी पहुंचे, इटारसी पहुंचने के बाद ये सीधे ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन से बैठकर इन्होंने ये नहीं समझा कि ये ट्रेन आगे जान आ रही है। अच्छा। उसी टाइम पर जब खबर भारत की खबर ने इस खबर को दिखाया, तो स्टेशन पर कुछ लोगों ने इस जो बच्चे थे इनके वीडियो बना लिया था, तो जैसे ये खबर चली तो वीडियो भी उनके द्वारा डाला गया, तो निश्चित ही ये बच्चे यही बच्चे थे, तो उनके द्वारा जो सांकेला पुलिस है, जो नरसिंहपुर के जो जिला पुलिस अधीक्षक है श्री विपुल श्रीवास्तव जी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, और रेलवे पुलिस ने भी यहाँ वहां जहाँ जाके जितनी भी स्टेशन थी वहां पर खबर कर दी गई थी, और बड़ी भूमिका के साथ ये सीधे हैदराबाद की जो स्टेशन है वहां पहुंचे, वहां से सीधी जब फोन आया नरसिंहपुर से साइकिला थाने फोन आया, साइकिला से जो एएसआई बड़करे जी वो और एक जो आरक्षक है वो दोनों सीधे हैदराबाद गए, और हैदराबाद से ये दोनों बच्चों को विगत रात को ये लेकर आए। जैसे ही मुझको पता चला तो मैं सीधा रामपुरा गया, और रामपुरा में मैंने जाना स्थिति उन बच्चों की, बच्चों से मिला मैं, उनके माता पिता से मिला, बड़े खुश थे, उन्होंने खबर भारत की टीम को धन्यवाद दिया। मैं साइकिल थाने पुलिस गया, लेकिन क्या है थाना प्रभारी जो रंगपंचमी के मौके पर थे वो थाना प्रभारी यहाँ पर आने जाने मीडिया थे, लेकिन उनका स्थानांतरण हो गया है, अब नए जो थाना प्रभारी है श्री गौरव जी नैमा आ गए हैं। जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो बच्चे आने के बाद जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो लिखा पढ़ी होती है वो रहना शेष था, लेकिन खबर भारत की टीम ने एक बहुत बड़ी पहल करते हुए कहीं ना कहीं इन बच्चों की तलाशी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जी
अच्छा चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। बच्चे सुरक्षित पहुंच चुके हैं, बच्चे सही सलामत अपने परिवार के पास पहुंच चुके हैं। एक जिम्मेदारी पूरी होती है, ऐसी कई जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर रहेंगी। ऐसी मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई खबरों को उठाने के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। और अब खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा भरवाई से, जहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ जिले का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। इनकी वापसी पर लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया और खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि जयपुर में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें 24 राज्यों की टीमों ने भाग लिया था। यहां छत्तीसगढ़ से 14 खिलाड़ी शामिल हुए थे, तो वहीं इस चैंपियनशिप में प्रदेश को 5 गोल्ड मेडल मिले हैं, जिसमें से 3 दिव्यांग खिलाड़ी मरवाही जिले से हैं। मेडल लेकर आए हैं, जिसमें रोहित 2 गोल्ड लिया है, एक सिल्वर है और अंजना भाई 1 सिल्वर और मेरा 1 गोल्ड है, 2 ब्राउन्स है। छत्तीसगढ़ ने कुल 5 गोल्ड मेडल लिए हैं, जिसमें से पेंड्रा जिले में 3 गोल्ड हासिल हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ ने 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्राउन्स मेडल प्राप्त किए हैं। मैं राजस्थान उदयपुर में खेलने गया था और मैं 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेकर आया हूँ और मेरे साथ मेरे भाई बहन भी। पेंड्रा मरवाही की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर चैंपियनशिप आयोजित की गई थी और इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को 5 गोल्ड मेडल मिले हैं, जिसमें से 3 मेडल तो दिव्यांग खिलाड़ी ही लेकर आए हैं और वे मरवाही जिले के रहने वाले बताए गए हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ से इस चैंपियनशिप में कुल खिलाड़ी शामिल हुए थे। रोचक बात यह कि 24 राज्यों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था और हमारे साथ जुड़ चुके हैं तन्वी यादव संवाददाता है हमारे छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, छत्तीसगढ़ से आप जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धियों का समय जी। तन्वी क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया ही जान लेते हैं। देखिए जिस तरीके से, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ये जो खिलाड़ी गए थे छत्तीसगढ़ से और खासतौर से अगर मैं गौरेला पेंडा मरवाही जिले के 3 खिलाड़ी की बात करूँ, ये इनमें से कुछ खिलाड़ी दिव्यांग भी हैं। ये दिव्यांग खिलाड़ी जो पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग लेने गए थे राजस्थान के उदयपुर में, जो छत्तीसगढ़ की टोटल कई टीमों में भाग लिया था, जिनमें से ये 5 गोल्ड मेडल पूरे छत्तीसगढ़ में आए हैं, जिनमें से 3 गौरेला पेंडा मरवाही जिले में। ये काफी हर्ष का विषय है, खासतौर से छत्तीसगढ़ का गौरेला पेंडा मरवाही जिले के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि बच्चे ये दिव्यांग है और जिले में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि इनको मतलब तैराकी की कोई ट्रेनिंग मिले। अभी जिले के पेंड्रा में अभी नए एक स्विमिंग पूल बना है, जिनमें से मात्र 3 दिनों की ये ट्रेनिंग का ये सिलसिला है, जो 3 दिनों की ट्रेनिंग में बच्चों ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, क्यों है इतना अव्यवस्था, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली है, बिना विधिवत प्रशिक्षण लिए अगर ये इतना कमाल कर सकते हैं तो बतौर प्रशिक्षण के साथ ये क्या कर जाएंगे, ये हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि गौरेला पेंडा मरवाही जिले में एक ही स्विमिंग पूल बना है और अभी हाल ही कुछ महीने हुए स्विमिंग पूल की ओपनिंग हुई, जिसमें ये बच्चे जो है वो स्विमिंग सीखते थे और 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर इन बच्चों को अगर राज्य सरकार की ओर से और भी सुविधा मुहैया कराई जाए तो ये बच्चे काफी हद तक आगे जा सकते हैं। अभी तो ये राष्ट्रीय लेवल पे खेले, लेकिन इन बच्चों की प्रतिभाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खेलने के भागीदारी रखते हैं, क्योंकि राज्य सरकार से इनको कोई अनुदान नहीं मिलता, इनको कोई सहायता नहीं मिलती। जैसा कि हमने इन बच्चों से बात की थी, ये बच्चे स्वयं के अपने खर्चे पे, अपने खाने पीने के खर्चे पे, अपनी खुद की ट्रेन टिकट से ये खेलने के लिए गए थे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करके आए हैं और 5 गोल्ड मेडल लेके आए हैं। प्रदेश का मान बढ़ाने वाले इन लोगों के सम्मान का भी जरा सा भी चिंता नहीं है शायद इनके भविष्य की, राज्य सरकार तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए और ये खबर भारत की टीम पहुंचाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा कि हमारी इस पहल से, इस
खिलाड़ियों के बारे में भी सोचा जाए, जल्दी ही एक और स्विमिंग पूल या जल्दी ही ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं ताकि ये आगे भी जो जीत का सिलसिला ही बरकरार रहे। बहुत बहुत शुभकामना एक बार फिर से और शुक्रिया जुड़ने के लिए। नैनपुर में वार्ड नंबर 14 के सीताराम टोला की बस्ती में रहने वाले लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि प्रशासन के द्वारा उनके लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वे दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हो चुके हैं। कभी कभी जिनके घरों में नल कनेक्शन है उनके द्वारा पानी दे देने से मदद मिल जाती है, मगर कोई स्थायी विकल्प नहीं है। यहाँ पे गरीब लोगों को टपरा वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बेचारे इतने परेशान हैं कि यहाँ से वो मरघटाई के नल से जाके पानी लेके आते हैं, तो वह मैं अपना नल को बाहर छोड़ दी गई हूँ कि जो गरीब लोग पानी पिए और इनको पानी मिले। यहाँ पे कोई भी पाइपलाइन नहीं आया, नहीं गरीब की कोई मदद नहीं है। जब बोट के लिए आते हैं तो इनके घर में घुस घुस के बोट भरते हैं, और ऐसे ही भी अभी पानी की इनको दिक्कत है, तो कोई इनकी परेशानी कोई नहीं समझ रहा। डबरा के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ब्रजेश मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा ने मिश्रा के कार्य को सराहते हुए बताया कि यहां पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत रही। वहीं ब्रजेश कुमार मिश्रा ने विकास खंड में कहीं पर भी खाद की कोई कमी नहीं आने दी। इसके बाद उन्होंने ब्रजेश मिश्रा को मंगलमय शुभकामनाएं दी। 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्होंने 37 साल की सेवा पूर्ण कर ली है और सफलतापूर्वक पूर्ण किए। उन्होंने पिछले 2 सालों में मेरे साथ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। सब जगह खाद की क्राइसिस थी, लेकिन उन्होंने बढ़िया प्लानिंग किया और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से हमारे यहाँ खाद की क्राइसिस नहीं हुई। और आप पता है उन्होंने 5 या 6 FIR भी कराई। ऐसे कर्मठ अधिकारियों की आज आवश्यकता है, तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मेरा विभाग में 1985 में मैंने विभाग में ज्वाइन की थी सेवा, उसके बाद आज 37 वर्ष की सेवा कार्य पूर्ण करने के बाद मैं 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। इस सेवा अवधि में मुझे विकास खंड स्तर पर अच्छी टीम मिली, उसके सहयोग से मैंने विभाग द्वारा दिए गए सभी लक्ष्यों को पूर्ण किया। अभी इस वर्ष जो है खाद की विशेष क्राइसिस थी, इसमें हमारे आदरणीय SDM साहब का भरपूर मार्गदर्शन मिला और उसकी स्थिति ये रही कि हमारे विकासखंड में किसी तरह की कोई भी खाद की समस्या नहीं रही। इंदौर को अपराध मुक्त करने को लेकर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र के निर्देश पर पुलिस देर रात ऑपरेशन प्रहार अभियान चला रही है, जिसमें 4 DCP, एडिशनल DCP, ACP समेत 1000 पुलिस कर्मियों का बल कल रात मौजूद रहा। चाकूबाजी, जिला बदर निगरानी बदमाश और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ की गई। बता दें कि 200 से भी ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अय्याशी का अड्डा बन चुके पब और रेस्टोरेंट पर भी पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। घंटी वगैरह है जिनकी पुलिस को तलाश है, उनकी भी तलाश की जाएगी। इसके साथ साथ जो ऐसे स्थान है जहाँ पर चोरों का मूवमेंट इत्यादि रहता है, उन स्थानों का भी चेकिंग की जाएगी। जो HS गुंडा थानों के हैं जिनका काफ़ी समय से पता नहीं चल रहा है, उनकी तलाश की जाएगी। जिला बाजार जो लोग हैं जिनको जिले से बाहर होना चाहिए, वो कहीं अपने ठिकाने पर मौजूद तो नहीं है, इसके संबंध में तलाश की जाएगी। तो ओवरऑल एक जो आपराधिक तत्व हैं या ऐसे लोग हैं जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं या समस्या पैदा करते हैं, उन सभी लोगों पर प्रहार करने के लिहाज से इंदौर पुलिस के द्वारा ये एक ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अपना पूरा प्रयास रहेगा कि असामाजिक तत्व और गैरकानूनी काम करें। चलिए इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।